Hi guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the transportation of fish seed. कि fish seed हमारे कैसे transport होते हैं. हमारे fish seed जो है हमारे वो transport होते हैं hatchery unit से fish farm तक. मतलब कि एक hatchery unit हो गई कि जहाँ पे हमारे seed वगैरह हैं, वहाँ से जो है एक fish farm तक कि अलग एक हमने एक proper जो है वो farm तैयार किया हुआ है, वहाँ तक हमें वो fish seed जो है वो transport कराने होते हैं, जिससे कि वो हमारे कल्चर सिस्टम में रेयर हो सके. तो अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ब्रीडर जो यूजुअली जो हम वो वही ट्रांसफर कराते हैं कल्चर सिस्टम से हैचरी यूनिट या हैचरी यूनिट से कल्चर, जिससे कि उनकी ब्रीडिंग हो सके. अभी हम नेचुरली भी करा सकते हैं या फिर हम इंड्यूस ब्रीडिंग की हेल्प से भी जो है ये ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं. फिश कल्चर प्रैक्टिस में ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिश सीड कैसे हो रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप माना जाता है फिश कल्चर प्रैक्टिस में. तो जनरल गाइडलाइंस जो हमें ध्यान रखनी होती है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे वो क्या है कि अगर हम इसका अर्ली मॉर्निंग में जो है वो ट्रांसपोर्ट कराएं तो वो बेटर होता है, क्योंकि उसपे जो उस टाइम जो एनवायरमेंट है वो कूल होता है हमारा. तो इसलिए जो हमारा वो बेटर माना जाता है कि अगर हम मॉर्निंग में इसका ट्रांसफर कराएं. वाटर जो यूज करें वो हमेशा कूल होना चाहिए और काम होना चाहिए, यानी कि गर्म है या फिर मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है उसमें, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा होगा तो हमारी फिश जो है वो डे डाई कर जाएंगे, फिश सीड जो है हमारे वो. और जो नंबर ऑफ फिश सीड है कितना हम उनको ट्रांसफर कर रहे हैं वो भी जो है एक मेंटेन होना चाहिए. ओवर नंबर होगा उससे भी जो है हमारी वो डेथ हो सकती है फिशेज की. ऑक्सीजन पैकिंग जो है वो बेस्ट होना चाहिए, ये नहीं है कि ऐसे ही किसी में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है या कुछ भी, तो उससे क्या होगा कि किसी में है तो बहुत ज्यादा है, वो सब नहीं होना चाहिए. मतलब एक प्रॉपर लेवल मेंटेन होना चाहिए ऑक्सीजन का, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी चाहिए. फिर हम एनेस्थेटिक कौन सा यूज़ कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे वो भी जो है वो मायने रखता है. हमें ऐसा एनेस्थीसिया यूज़ करना चाहिए जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को जो है फिश सीड की वो कम कर दे, मतलब कि वो ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिव ना रहे. अगर वो ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिव रहेंगे तो एक्सक्रीशन होगा. एक्सक्रीशन किसका होता है उनमें? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स का, जो कि हमें नहीं कराना, वो हमें अवॉइड कराना है. तो इसलिए हम उन्हें ऐसे एनेस्थीसिया देते हैं जिससे कि उनका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो तो मिनिमाइज हो जाए लेकिन उनकी डेथ ना हो. केयर प्रॉपर होनी चाहिए कि कोई डायरेक्ट सनलाइट फॉल ना करे हमारे पैकिंग बैग्स पे जिनमें हम ट्रांसफर करा रहे हैं सीड्स का ट्रांसपोर्टेशन, वो उन पर डायरेक्ट सनलाइट फॉल ना हो. तो इस चीज के लिए क्या करा जाता है कि जो सीड पैकिंग बैग्स है उनको एक वेट गिनी बैग से जो है वो कवर किया जाता है, मतलब बोरी से जो है उसको कवर किया जाता है अच्छे से, और वो बोरी जो है हमारी वो गीली होती है जिससे कि जो टेम्परेचर है सीड पैकिंग का वो मेंटेन रहे. अगर ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस हमारा काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है तो उसमें हम ग्लूकोज पाउडर का ऐड कराते हैं जिससे कि जो सीड पैकिंग बैग्स में फूड की जो कमी है वो ना रहे. तो इस तरीके से ये जो गाइडलाइंस है वो हमें ध्यान रखनी पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कि ये सब हम मेंटेन रख पाएं, तभी जो है वो फिश सीड सर्वाइव कर पाता है और ट्रांसपोर्ट हो पाता है, नहीं तो उनकी डेथ हो जाती है रास्ते में. तो अब कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे जो है वो यूज की जाती हैं? सबसे पहले आती है हमारी मड पोट. ये काफी ज्यादा कॉमन है हमारी असम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा ओडिशा में जो है काफी ज्यादा यूज की जाती है ये टेक्निक फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्वैन, फ्राई एंड फिंगरलिंग. इन सबको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए मड पोट्स काफी ज्यादा यूज की जाती है टेक्निक. ये एक ट्रेडिशनल मेथड्स है. पोर्ट्स जो होते हैं इसमें वो हमारे किससे फिल्ड होते हैं? 2/3 जो है पोर्ट्स हमारे फिल्ड किए जाते हैं, कंप्लीट पोर्ट जो है वो फिल नहीं किया जाता. फिर उसमें जो है हमारे वो स्पैनिंग ग्राउंड्स वगैरह जो है वो डाले जाते हैं या सीड्स. अबाउट 50,000 यानी कि 50,000 जो स्पॉन्स है हमारे वो एक टाइम में हम ट्रांसफर करा सकते हैं बेटर कंडीशन होने के लिए, कि स्पॉन जो हमारे वो बेटर कंडीशन में रहें. तो उसके लिए क्या करा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन से पहले उनको 3 दिन के लिए जो है वो हम हैपाज में रखते हैं. हापाज बोल देते हैं इन्हें, जो आपको ठीक लगे वो बोल देना. हापाज में जो है इन्हें रखा जाता है 3 दिन के लिए विदाउट फीडिंग, जिससे कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो इनकी रिड्यूस हो जाए और जो हमारा टेम्परेचर है वाटर का वो भी जो है इजिली इफेक्टेड नहीं होता मड पोट्स के केस में, क्योंकि वही मिट्टी वगैरह से बने हुए तो इनका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, जिससे कि एडवांटेज है ट्रांसपोर्ट में कि हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहेगा. इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं.
ट्रॉबैक्स क्या है कि ब्रेक हो सकती है, मड फूट है, मिट्टी का ही मटका लगा लो एक तरीके से, वो ब्रेक हो सकता है, जिससे कि मतलब अगर हमारी कोई मूवमेंट काफी ज्यादा हो गई एकदम से तो वो ब्रेक हो सकता है, तो जिससे क्या होगा, हमारे लॉस ऑफ सीड होगी कि हमारे सीड जो है वो सारे लॉस कर देंगे अगर वो ब्रेक हो गए तो। फिर सीड जो है वो इंजर्ड हो सकती है, अगर पोर्ट की काफी ज्यादा शेकिंग हो रही है तो जो सीड्स है वो हमारे इंजर्ड हो सकते हैं। चेंजेस अगर हम वाटर की जो वाटर जो है हम वो चेंज कर रहे हैं बार बार, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वाटर क्वालिटी में डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से भी फिश सीड जो हमारे वो डेथ कर सकते हैं, डाई हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ही पॉसिबल है, इनमें हम लॉन्ग डिस्टेंस में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं करा सकते मड पोर्ट्स में, तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं। अब आ जाते हैं हमारी दूसरी टेक्निक पे, डैट इज आर राउंड टिन कैरियर्स। इसको हम काफी सालों से यूज कर रहे हैं, ये हमारा गैल्वेनाइज आयरन शीट से बना होता है, इसमें नंबर ऑफ स्मॉल होल्स हैं जो कि हमारे यूजफुल होते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो ले सके फिश सीड्स। तो राउंड टिन कैरियर्स के बारे में इतना ही था। डबल टिन कैरियर्स क्या है, ये भी हमारे गैल्वेनाइज आयरन शीट से ही बने होते हैं, लेकिन इनके दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं हमारी आउटर टिन, एक होते हैं हमारी इनर टिन। आउटर टिन जो है वो हमारी ओपन होगी, हैंडल होगा उसमें, जबकि जो इनर टिन है वो हमारी क्लोज होगी और उसमें स्मॉल ओपनिंग्स होंगी। अब ऐसा क्यों, डबल टिन क्यों लिया गया, ताकि जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, शेकिंग का इतना इफेक्ट ना पड़े, तो ये सब चीजें ध्यान रखते हुए डबल टिन कैरियर्स जो है वो बनाए गए। फोर्थ है हमारा ऑक्सीजन टिन कैरियर्स। फोर्थ टेक्निक कौन सी है हमारी, ऑक्सीजन टिन कैरियर्स। इसमें हम रोड से ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, ट्रेन से करा रहे हैं, एयर से करा रहे हैं, इन सब चीजों से जो है हमारी ट्रांसपोर्टेशन होती है ऑक्सीजन टिन कैरियर्स, मतलब इन सब चीजों से अगर हम ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं तो हम ऑक्सीजन टिन कैरियर्स का जो है वो यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम पॉलिथिन बैग्स जो है वो उनको फिल्ड कर देते हैं वाटर से, फिर उसमें जो है वो सीड और ऑक्सीजन जो है वो पैक कराते हैं उस टिन में, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हो सके। मतलब पॉलिथिन बैग के अंदर हम सीड डालेंगे, वाटर डालेंगे और ऑक्सीजन का सप्लाई करवाएंगे, और फिर उसको जो है हम पैक कर देंगे टिन में, और फिर उसका जो है वो ट्रांसपोर्ट कराएंगे। ये बहुत कॉमन और लेटेस्ट टेक्निक है ट्रांसपोर्ट कराने के फिश सीड्स को। इसमें जो नंबर ऑफ फिश सीड जो हमारे पैक्ड हो रहे हैं वो डिसाइड करते हैं कि डिस्टेंस कितना है, साइज कितना है सीड्स का, और उस अकॉर्डिंग जो हमारे जो नंबर है फिश सीड्स का वो डिसाइड होता है कि एक बैग में कितने जो है फिश सीड डालने चाहिए। अब हम ऑक्सीजन कैसे सप्लाई करते हैं, मैंने कहा हम ऑक्सीजन पैक कर रहे हैं उसमें, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें एक ट्यूब डाल देते हैं उस बैग के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर की, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर से कनेक्टेड, फिर हम उसमें वो ऑक्सीजन फिलअप हो गई, तो जैसे ही वो फिलअप होती है हम उसमें एक टाई टाई कर देते हैं, उससे थ्रेड से कह लो या किसी स्ट्रिंग से कह लो, जो उसको हम वो टाई कर देते हैं अबाउट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, मतलब कि 10 सेंटीमीटर का हम गैप रखेंगे टॉप से, जिससे कि ऑक्सीजन उसमें रह सके, बाहर ना निकले जल्दी से। तो हम उसको जो ट्विस्ट करेंगे और स्ट्रिंग से जो है उसे टाई कर देंगे, जिससे ऑक्सीजन जो है वो उसी के अंदर रह जाएगी, तो जो स्ट्रिंग है वो टाइड हो गई अराउंड, उसके बाद जो हम वो टिन क्लोज कर देंगे और उस ऑक्सीजन सिलेंडर पाइप को हम निकाल लेंगे। तो ये जो पेक टिन्स हैं इन्हें हम कूल प्लेस में रखते हैं, कभी भी वार्म प्लेस में नहीं रखेंगे, ये तो हर टेक्निक का ही है, तो इनका सर्वाइवल रेट जो है वो सही रहे, इसलिए जो टिन जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग में ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा टेम्परेचर होता है वो कूल होता है। नेक्स्ट इज आर नेक्स्ट टेक्निक इज टैंक्स फिटेड इन लॉरीज, मतलब कि ये हमारा रोड ट्रांसपोर्ट में जो यूजुअली यूज किए जाते हैं, इसमें हमारे वो एक और एक से एक या दो लार्ज टैंक जो है हम वो यूज करते हैं ऑफ सुटेबल डायमेंशन, जो कि हमारे फिट होते हैं और रेयर में, और उसको हम एडवांटेजेसली, मतलब इसमें यूजुअली बड़े बड़े टैंक जो है वो यूज किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। नेक्स्ट इज आर ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्रीडर्स, मैंने बताया था ये सब तो हम नेचुरली ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, अब आ जाते हैं ब्रीडर्स के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट कराएं, यानी कि इंड्यूस ब्रीडिंग। इसमें क्या होता है कि जब हम अडल्ट फिश के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट कराते हैं और ग्रेटली इंक्रीज हो जाती है इससे हमारे ब्रीडर्स की डिमांड जो है वो, और ये एडवांटेज है हमारा इंड्यूस ब्रीडिंग का। इंड्यूस ब्रीडिंग के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिश सीड, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।